हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज बात करेंगे कार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज के बारे में, वो है डैश कैम। अब डैश कैम बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप की मिस हैपनिंग या फिर इंसिडेंट्स को आप प्रूफ करना है कि जिसमें आपकी गलती नहीं है आपको प्रूफ करना है, तो ये बहुत ही हेल्प करती है। एंड ये डैश कैम्स अलग अलग प्राइस में आते हैं, एवरेज कॉस्ट में आता है, अच्छे कॉस्ट में भी आता है, अच्छे ब्रांड के। तो लगभग दो टाइप के ब्रांड्स, तो नॉट ब्रांड वीगन से, दो टाइप के डैश कैम्स आते हैं। एक तो जो प्रीमियम क्वालिटी का होता है जिसमें डुअल चैनल भी होता है, 70 mic का डुअल चैनल है, DDPI का है। अगर आपने मेरे पुराना वीडियो देखा तो आपने देखा होगा मेरे पास 70 mic का डुअल चैनल का है, जिसका कॉस्ट अराउंड 10,000 to 12,000 आता है। और सेम DDPI का भी आता है, क्यूबा का भी आता है काइंड ऑफ। लेकिन आज जो मैं डैश कैम लाया हूँ वो एक एवरेज कॉस्ट में है, जिसका कॉस्ट 3500 है और ये 3,000 to 4,000 के बीच में आता है। इसमें और भी आते हैं, 70 mic का भी एक आता है, उसके बाद क्यूबा का भी आता है, बट मैंने जो आज चूज किया है ये है DDPI मोला। एंड इसको चूज करने का रीजन ये था कि इसका जो मैंने पिक्चर क्वालिटी देखी थी कि इतना कम प्राइस में जो पिक्चर क्वालिटी वो अच्छा है, रिव्यूज वगैरह अच्छा था अमेजन से, तो इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। एंड इसका जो पिक्चर क्वालिटी है डे एंड नाइट का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड इसमें बॉक्स में क्या क्या आता है अनबॉक्सिंग में वो भी आपको दिखाऊंगा। तो लेट नहीं करते हैं, इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं एंड जल्दी से चलते हैं कार में और इसको फिट करके मैं आपको इसकी क्वालिटी भी दिखाता हूँ। तो जी, इसको मैंने खोल लिया है, अब इसको निकालते हैं पैकेट से। का जो कॉस्ट मुझे पड़ा है थ्रू फ्लिपकार्ट 3500 का पड़ा है, ठीक है। यू कैन सी, दिख जा भाई, हाँ दिख गया। एंड ये कुछ पैकिंग ऐसा है, तो इसको फटाफट से खोलते हैं, एक हाथ से खुलेगा नहीं तो मोबाइल को रखना पड़ेगा कहीं पे। इसको अच्छे से तो ये कुछ ऐसा है, और ये इसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, जैसे कि DDPI मिनी डैश कैम, उसके बाद ब्रांड DDPI, मॉडल है डैश, प्रोडक्ट नेम डैश कैम, मॉडल नेम मिनी, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरर DDPI, ऑफ कोर्स चाइनीज़ है क्योंकि मेड इन चाइना लिखा है। ओके, एंड इसको ओपन करने का आई थिंक मोबाइल वाला हिसाब है, ऊपर करो निकल जाएगा धीरे धीरे, और ये निकल गया जी। ये है कुछ नेक्स्ट डिजिट्रॉन, अच्छा उसका वारंटी है। ओके, मतलब जो इसको एक्चुअली सेल करती है इंडिया में, दैट इज़ नेक्स्ट डिजिट्रॉन, जो इसको मार्केटिंग करता है, तो उसको ही ये प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, उसके बाद ये थोड़ा सा यूज़र गाइड है, यूज़र गाइड मतलब वही है कि इसको कैसे कनेक्ट करना है एंड कौन सा स्विच क्या है, ये सब बता दिया गया है यहाँ पे। इसके साथ आपको मिलता है एक USB पोर्ट, रीसेट की, SD कार्ड स्लॉट है इसमें, माउंटिंग ब्रैकेट्स हैं, LED इंडिकेटर है, ऑन है ऑफ है बताने के लिए, रोटेटिंग स्विफ्ट है एंगल सेट करने के लिए, 3M एडेसिव पैड है लगाने के लिए, एंड माइक है, लाउड स्पीकर है। इसके अलावा इधर क्या क्या चीज़ें दिखी रहा है आपको, एंड वर्किंग फैन, रेड लाइट फ्लैशेस स्लोली, अगर रेड लाइट थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रहा है तो सही है, रेड लाइट इज़ ऑलवेज ऑन मतलब बूट कर रहा है, पर्पल लाइट फ्लैशेस क्विकली मतलब स्टोरेज एबनॉर्मल वर्किंग एबनॉर्मली अगर पर्पल लाइट है तो ख़राब है, ब्लू लाइट फ्लैशेस स्लोली पार्किंग मॉनिटरिंग, ब्लू लाइट इज़ ऑलवेज ऑन USB डाटा ट्रांसमिशन मोड, एंड पर्पल भाई रेड होना चाहिए स्लोली और ब्लिंक करना चाहिए तो ही अच्छा है, बस यही याद रखना। ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, एंड वगैरह ये कैसे लगाना, कहाँ लगाना, ये सब बताया गया, ये सब तो मतलब कॉमन है, मैं आपको डायरेक्ट गाड़ी में लगा के बता दूंगा कि इसको कहाँ लगाना है। IRVM के बेसिकली पीछे ही लगाते हैं हम लोग, ब्लैक वाला पार्ट छोड़ के, ताकि वो गिरे ना और सही से वीडियो रिकॉर्ड करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ना इसका जो मतलब कि जो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी वो कैसा है वो देखना है, एंड शेकिंग वगैरह, ठीक है। अब इसको रखते हैं साइड में। तो जी, ये है इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो ये है क्या, देख लो भैया, निकलो भाई, निकल ले, निकल ले, नखरे बहुत मार रही है यार। हाँ, तो ये कुछ ऐसा है DDPI, और ये ना ऐसे चिपकेगा विंडसेल पे, ठीक है, समझ लो विंडसेल ऐसा ना, तो ऐसे चिपकेगा और कैमरा फ्रंट की तरफ रहेगा। ओके, तो वही चीज़ है, ये देख लो यहाँ पर एक दिया हुआ चीज़ है कि आप रीसेट करोगे यहाँ से,
अरे यार कुछ चेंजिंग है लग रहा है मेरे को, पता है क्या, मैं देखा था यहाँ पर एक कवर था पहले जो आता था, इसमें एक ऐसे ऐसे करके कवर हटा हुआ ना, उसके नीचे ये सब रहता था, ये अभी है मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं अभी तो दिख नहीं रहा है, खैर छोड़ो है ही नहीं। तो यहाँ मेमोरी कार्ड डालोगे, ये ब्लिंक करेगा एंड ये रीसेट, अगर यहाँ पर पिन एक छोटा सा है जो मोबाइल का हम लोग सिम डालते हैं ना वैसा रीसेट, उसको प्रेस करके 3 सेकंड रखेंगे तो रीसेट होगा। एंड ये स्पीकर है बोलने के लिए, डिंग डिंग पाई बोलती है जितना मैंने देखा है, और वही है 5 वोल्ट 2 एम्पियर डी डी पाई टेक्नोलॉजी को लिमिटेड मेड इन चाइना मीनिंग वगैरह 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 है। और ये है माइक, क्या ये माइक है क्या, शायद होगा, एंड इसको निकालेंगे। तो इसके साथ और क्या क्या मिला है वो देख लेते हैं। तो ये वायर मिला है जो 3.5 मीटर का है, और 3.5 मीटर मेरे पास ऑलरेडी मेरे गाड़ी में जो लगा है वो 70 माई का है, और वो भी 3.5 मीटर का, दैट इज़ एनफ, बहुत ही अच्छा है वो, ठीक है। तो इसको भी लगा के देखते हैं कैसा है। एंड उसके साथ एक टकिंग के लिए दिया है, केबल टक करने के लिए। ये क्या भाई, ये ज़रूर सिगरेट लाइटर होगा, हाँ सिगरेट चार्जर जो होता है, लाइटर चार्जर जो भी होते हैं ये वो है, लेकिन ये ना सिंगल वाला है, एक ही है मैंने देखा था, तो ये ऐसे भी कुछ काम का नहीं है, जो मेरे पास ऑलरेडी वो डबल वाला है उसको यूज़ करेंगे। तो इतना ही चीज़ बेसिक चीज़ चाहिए। इसके बाद इसके अलावा क्या करना पता है, एक ऐप इंस्टॉल करना, वो ऐप का वीडियो मैं बता दूंगा, और ऐप के थ्रू में इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है, एंड फिर जो सेटअप आप करना चाहते हो ना वो आपका ऐप में दिख जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं दिखने वाला, ये सिर्फ कैमरा काम करेगा, जो डिस्प्ले है वो आपका मोबाइल में ही दिखेगा, वो चीज़ करना है, तो वो मैं करके अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये ना इंस्टॉल हो चुका है, और अभी क्योंकि इसको मुझे ऑन करके दिखाना है और मैं गाड़ी के पास नहीं हूँ, तो पहले ना अभी ये जो जो चार्जर है मैं इससे कनेक्ट करके इसको ऑन करके दिखाऊंगा, सेटअप यहाँ दिखा देता हूँ, उसके बाद जाके हम लोग गाड़ी में सेटअप कर लेंगे, ठीक है। ओके तो सबसे पहले अपना कैमरा ओपन करते हैं, और यहाँ पर स्कैन दिख रहा है ना, मैं स्कैन को क्लिक कर देता हूँ। अरे यार ओपन हो जाए, हाँ। तो यहाँ पर iOS एंड एंड्रॉयड दोनों के लिए, तो मैं ना इसको करके और ये सर्च कर, देखो गूगल आ गया, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आ गया ना, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि ये हो चुका है, अब हम इसका ऐप ओपन कर रहे हैं, ये ना ऐसे फिट हुआ है, अभी हुआ नहीं है, मतलब कि मैं लगा तो वायरिंग कर चुका हूँ, बस इसको अटैच करना है। तो अटैच का तो ये हमें देखना है ये व्यू कैसा है, ठीक है। तो एंगल थोड़ा सेट कर लेना, उसके बाद इसको यहाँ पर टच अटैच कर लेना, ठीक है, इसको निकाल के। तो मैं अभी बताता हूँ इसको मैंने कैसे फिट किया है एक्चुअली। तो ये इधर से लेकर इसको ओपन कर दिया मैंने, इसको ओपन करने के लिए वो लोग एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ऑलरेडी देते हैं, इसको यूज़ करके कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो बाहर से कर लेना, फालतू का टूट जाएगा उसका क्लिप्स नहीं तो। फिर इसके अंदर से लेकर ग्लव बॉक्स के नीचे से लेते हुए और ये ऐसे और ये यहाँ कनेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ है, तो यही है फिटिंग, अभी इसको बस मैं मतलब कि इसका जो 3M टेप है इसको निकाल के यहाँ चिपका दूंगा तो ये हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर इसका मैं रिव्यू दिखाता हूँ कि ये वीडियो क्वालिटी इसका कैसा है। इसको भी लगा दिया, देख रहे हो ना, और उसकी व्यू कुछ ऐसी है। तो अभी चलाते हैं, और सनलाइट का पहले मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर इवनिंग और नाइट का भी दिखा दूंगा आपको।